हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज है 22 सितंबर 2023। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स पर बेस्ड 10 एमसीक्यू। इसमें हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे और हर क्वेश्चन के बाद 5 सेकंड्स आपको मिलेंगे आंसर करने के लिए, और जैसे ही 5 सेकंड्स ख़त्म हो जाएंगे आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ द रिसेंटली पास्ड वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023। हाल ही में पारित महिला आरक्षण विधेयक 2023 का आधिकारिक नाम क्या है? ऑप्शंस हैं, महिला सशक्तिकरण अधिनियम, नारी सशक्तिकरण अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, या फिर महिला शक्ति वंदन अधिनियम। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, समय शुरू होता है अब। सही आंसर है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आप जानते हैं कि हाल ही में लोकसभा से यह अधिनियम पास हुआ, इसके बाद राज्यसभा में कल ही पास हुआ, अब यह राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा, फिर यह अधिनियम बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली आरबीआई हैज ड्राफ्टेड नॉर्म्स टू डिक्लेयर विलफुल डिफॉल्टर्स विद इन हाउ मैनी मंथ्स ऑफ एनपीए टैग। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीए टैग के कितने महीने बाद इरादतन चूककर्ता घोषित करने संबंधी प्रारूप प्रतिमान तैयार किया है? क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं कि कोई व्यक्ति जब लोन लेता है किसी बैंक से, तो उसका लोन एनपीए घोषित हो जाता है जब वह 90 दिनों के अंदर लोन नहीं चुकाता है, लेकिन कितने महीनों बाद उस लोन को, उस व्यक्ति को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा जब वह लोन नहीं चुका पाता है? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। ऑप्शंस हैं 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स या 12 मंथ्स। काउंटिंग शुरू होता है अब। सही आंसर है 6 मंथ्स। मैं समझाता हूँ आपको, जब कोई व्यक्ति किसी बैंक से लोन लेता है और 90 दिनों के अंदर जब नहीं चुका पाता है तो वह लोन एनपीए घोषित हो जाता है बैंक के द्वारा। ठीक है, 90 दिनों के बाद जब लोन नहीं चुका पाता है तो वह लोन एनपीए घोषित हो जाता है। ठीक है, जब वही लोन अगले 12 महीने तक या 12 महीने से कम समय में अगर वह लोन रिकवर नहीं कर पाता है बैंक, तो बैंक उस लोन को, उस पैसे को सब स्टैंडर्ड असेट घोषित कर देती है, क्योंकि बैंक द्वारा दिया गया लोन बैंक के लिए एक असेट का काम करता है। एसेट इन द सेंस कि वह इंटरेस्ट जनरेट करेगा। ठीक है, लेकिन जब 12 महीने से भी ज़्यादा समय हो जाता है तो वह असेट या वह पैसा क्या घोषित हो जाएगा? डाउटफुल असेट घोषित हो जाएगा। समझ गए। और पहले के केस में क्या होता था कि जब कोई व्यक्ति जानबूझ करके लोन वापस नहीं चुका पाता है और 12 महीने से भी ज़्यादा समय निकल जाता था, तो उस व्यक्ति को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जाता था। लेकिन आरबीआई ने उस नॉर्म को रिवाइज करते हुए एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें कहा है कि एनपीए घोषित होने के 6 महीने बाद भी कोई व्यक्ति अगर जानबूझ के लोन नहीं चुकाता है तो उस व्यक्ति को विलफुल डिफॉल्टर माना जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु हैज रिसेंटली अनवील्ड 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ आदिगुरु शंकराचार्य। हाल ही में आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, द्रौपदी मुर्मू या अमित शाह। तो काउंटिंग शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वह खांडवा डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में ओमकारेश्वर जगह का नाम है, उस जगह को टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहते हैं और इसीलिए
वहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य कौन थे? वे एक फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, 8वीं शताब्दी के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिसेंटली अ 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ आदि गुरु शंकराचार्य वाज अनवील्ड बाय व्हाट नेम विल दिस स्टैचू बी नोन? हाल ही में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, इस प्रतिमा को किस नाम से जाना जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि इसमें स्टैचू का नाम क्या होगा ये पूछा गया है। ऑप्शंस हैं, इसे स्टैचू ऑफ वननेस के नाम से जाना जाएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी या स्टैचू ऑफ बिलीफ। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है स्टैचू ऑफ वननेस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिसेंटली सरोजा वैद्यनाथन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 86, हु वाज शी? हाल ही में सरोजा वैद्यनाथन का 86 ईयर्स ओल्ड में निधन हो गया, वह कौन थी? ऑप्शंस हैं, भरतनाट्यम डांसर, कुचिपुड़ी डांसर, कथक डांसर या सत्रीय डांसर। काउंटिंग शुरू होता है अब। सही आंसर है भरतनाट्यम डांसर। तो सरोजा वैद्यनाथन कौन थी? इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया भरतनाट्यम के क्षेत्र में, भरतनाट्यम डांस के क्षेत्र में, और कर्नेटिक म्यूजिक में भी इनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा, और इसीलिए इनको सम्मान दिया गया पद्मश्री का 2002 में। इसके बाद 2013 में पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया। ठीक है, इनकी बहू है रामा, वह अब इनके 50 ईयर्स के लेगेसी को आगे लेके जाएंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम टू बी बिल्ट इन वाराणसी? वाराणसी में बनने जा रहे नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किसके द्वारा किया जाएगा? आपके पास ऑप्शंस हैं, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर। काउंटिंग शुरू होता है अब। सही आंसर है नरेंद्र मोदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली पब्लिश्ड इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट? हाल ही में प्रकाशित विश्व आर्थिक आजादी रिपोर्ट में भारत कितने स्थान पर है? ऑप्शंस हैं 111th, 87th, 86th या फिर 74। काउंटिंग शुरू होता है अब। सही आंसर है 87th। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट कौन जारी करता है? यह जारी करता है कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मिलता जुलता क्वेश्चन है। विच कंट्री टॉप्ड द रिसेंटली पब्लिश्ड इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट? हाल ही में प्रकाशित विश्व आर्थिक आज़ादी रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ऑप्शंस हैं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, जापान या अमेरिका। काउंटिंग शुरू होता है अब। सही आंसर है सिंगापुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स हैव कावेरी वाटर डिस्प्यूट? निम्न में से कौन से दो राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है? ऑप्शंस हैं कर्नाटका एंड केरला, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, गुजरात एंड राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। काउंटिंग शुरू होता है अब। सही आंसर है कर्नाटका एंड केरला। ठीक है, तो कर्नाटका और केरला के बीच कावेरी जल विवाद है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट। आज का लास्ट क्वेश्चन है। रिसेंटली इंडिया हैज कैंसिल्ड इशूइंग वीजा टू ट्रेवलर्स टू विच कंट्री? भारत ने किस देश की यात्रा के लिए वीजा जारी करना स्थगित कर दिया है? ऑप्शंस हैं रसिया, कनाडा, ईरान या पाकिस्तान।
काउंटिंग शुरू होता है अब। सही आंसर है कनाडा। आप जानते हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच कितनी टेंशन चल रही है अभी, क्योंकि कनाडा ने डायरेक्टली इंडिया को अक्यूज किया है फॉर किलिंग इट्स सिटीजन्स नेम हरप्रीत सिंह निज्जार। इसके बाद और एक खालिस्तानी टेररिस्ट मारा गया है, ठीक है, सुखदूल सिंह। तो इसके बाद टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए इंडिया ने कनाडा में ट्रेवल कर रहे लोगों को या फिर इंडिया से कनाडा में जो ट्रेवल करेंगे उनके लिए एडवाइजरी जारी की है और वीज़ा अभी के लिए रद्द कर दिया है, ठीक है। तो आज बस करंट अफेयर्स के एमसीक्यू में बस इतना ही। थैंक यू।